In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Karan Arjun. दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिल्म के कलेक्शन के साथ साथ फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म करण अर्जुन जो रिलीज हुई थी 13 जनवरी 1995 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं राकेश रोशन। बात करते हैं कास्ट की। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, राखी गुलजार, काजोल, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी और आशिफ शेख लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में और भी काफी सारे कास्ट नजर आई थी। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 25 करोड़ 28 लाख रुपीज का, 25 करोड़ 28 लाख रुपए का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 52 करोड़ का, यानी 52 करोड़ का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 1 करोड़ 58 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी। सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 53 करोड़ 58 लाख रुपीज का। इसका बजट था 6 करोड़ का। अब 6 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 25 करोड़ 28 लाख रुपीज का। उस हिसाब से अगर हम वर्डेड की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म करण अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डेड थी वो थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। इस फिल्म की वैल्यू को कन्वर्ट किया गया साल 2017 में, यानी कि अगर फिल्म की 1995 में जो वैल्यू थी वर्ल्ड वाइड वो थी 53 करोड़ 58 लाख रुपीस का, उस वैल्यू को कन्वर्ट किया साल 2017 में इसकी वैल्यू लगाई गई 532 करोड़ रुपए की। अब फिल्म जो है आपको बता दें कि इसी कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की 1995 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। नंबर वन पर थी DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और खास बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। अब जो फिल्म है इसको टोटल 3 अवार्ड्स भी दिए गए थे। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे, कुछ गाने सुपर हिट भी साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था राजेश रोशन जी ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे इंदिवर जी ने। चलिए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातों की। अब जैसे कि आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा भानगढ़, जो कि है राजस्थान में। और भानगढ़ एक ऐसी जगह है जिसका कई बार आप गूगल में सर्च करें ऐसी जगह में उसका नाम आ चुका है, जो कि कहते हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, यानी इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है भानगढ़। तो फिल्म की जो शूटिंग हुई है वो भानगढ़ में ही की गई है। भानगढ़ एक जगह है राजस्थान में। अब इसमें बता दें कि जो सलमान खान का रोल है वो पहले ऑफर किया गया था अजय देवगन को, और जो शाहरुख खान का रोल है वो पहले ऑफर किया गया था सनी देओल को, लेकिन उन दोनों ने वो रोल करने से मना कर दिया था। फिर ये रोल फाइनली दिया गया सलमान खान और शाहरुख खान को। और इसमें जो काजोल और ममता कुलकर्णी का जो रोल है वो पहले ऑफर किया गया था जूही चावला और रवीना टंडन को, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ ये रोल दिया गया काजोल और ममता कुलकर्णी को। और इस फिल्म के लिए एक रोल ऑफर किया गया था आमिर खान को, लेकिन उन्होंने वो रोल करने से मना कर दिया था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।